हे गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो गाइज मैंने बाय किया है एक न्यू रैकेट जो कि है गाइज ज़ियोनिक्स का GR-201, ठीक है। और ये गाइज सिंगल पीस है, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था एक न्यू रैकेट लेने की जो कि सिंगल पीस में ही, ठीक है। तो मेरे को ये ज़ियोनिक्स का GR-201 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने इसको ऑर्डर करके मंगवा लिया है। देख सकते हो ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स, और कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था कि माय न्यू बैडमिंटन इज़ हियर, ठीक है। तो दो चार दिन पहले ही ये आया है, और इसे मैं एक बार खेल के भी देख चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो बॉक्स ओपन है, ठीक है। तो मैं खेल के भी देख चुका हूँ, तो लास्ट में मैं सारा कुछ अपना ओपिनियन बताऊँगा किस तरह का ये बैडमिंटन मेरे को लगा, ठीक है। एंड जो इसका प्राइस है गाइस सिंगल पीस का, वो है गाइस 556 मेरे को लगा है, ठीक है। और गाइस जैसा कि 556 में ये वर्थ है या फिर नहीं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, और बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी गाइस, एंड तक देखिएगा। और चैनल पर गाइस नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम एंड गाइस फेसबुक को फॉलो कीजिएगा गाइस, ट्राइडी सोरी के स्क्रीन पर दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइज ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का बॉक्स दिया गया है। एंड जो बॉक्स है गाइज ये ओपन है, ठीक है, बिकॉज मैं इससे एक बार खेल के देख चुका हूँ, ठीक है। तो लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मेरे को कैसा लगा खेलते वक्त, ठीक है। तो चलिए अब इसको बाहर निकाल लेते हैं रैकेट को, और ये जैसा कि सिंगल पीस है तो और कुछ नहीं है बॉक्स में, बिल है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको साइड कर लेते हैं, और कुछ इस तरह का गाइज रैकेट है, ठीक है। और जैसा कि गाइज मेरे को रैकेट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो जो भी मेरे को पता होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ कवर दिया गया है, यहाँ पे योनिक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे ब्रांडिंग है, और कलर गाइज आप लोग देख सकते हो ब्लू कलर है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, रेड ब्लू और भी है, अगर आपको जो कलर पसंद है आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे टांगने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे चलिए इस कवर को ओपन कर लेते हैं। और जो गाइज कवर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फट जाएगा, ठीक है, मजबूत क्वालिटी दिया गया है कवर का भी। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं कवर से, तो चलिए निकल चुका है। और कुछ इस तरह का लुक है, आप लोग देख सकते हो रैकेट का, और यहाँ पे देख सकते हो रेड में आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी योनिक्स की, और वाइट में इसका वायर दिया गया है। क्वालिटी गाइस काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। और ब्लू कलर में कुछ इस तरह का लुक आता है, तो मेरे को ब्लू कलर का लुक अच्छा लग रहा था, तो मैं ब्लू कलर इसमें ऑर्डर किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मॉडल नंबर दिया गया है GR-201, और यहाँ पर देख सकते हो ब्रांडिंग दी गई है योनिक्स की, यहाँ पर भी योनिक्स लिखा गया है। और ये देख सकते हो ग्रिपिंग वगैरह भी गाइस काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है, और काफ़ी हल्का बैडमिंटन है, ठीक है। खेलते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, काफ़ी हल्का लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग प्राइसिंग देख सकते हो रैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है गाइस 990 रुपीज़, ठीक है, बट फ्लिपकार्ट पे ये 556 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह का लुक वगैरह है, आप लोग देख सकते हो। और तो गाइज अब मेन अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि भाई आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो ये सिंगल रैकेट के लिए, तो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलनी चाहिए अच्छी। तो मैं बता देता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी गाइज इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। मेरे को तो गाइज बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और वायर वगैरह की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 4 से 5 ईयर्स आराम से आप इससे खेल सकते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से खेलोगे तो। अकॉर्डिंगली गाइज 4 to 5 ईयर आराम से ये टिक जाएगा, बिकॉज हम लोग तो विंटर में खेलते ही हैं इससे, ठीक है। और अगर विंटर में अच्छे से खेलेंगे तो हो सकता है 4 to 5 ईयर आराम से चल जाइए रैकेट, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है गाइज, ठीक है। अगर आप सिंगल पीस में सर्च कर रहे हो बैडमिंटन योनिक्स का, तो ये अंडर 500 to 600 के बजट में ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप रैकेट खोज रहे हो अंडर 600, तो ये गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, सिंगल पीस में, ठीक है। डुअल पीस इसका जो आता है गाइस वो 1200 to 1300 का आता है, GR-201 का, ठीक है। तो अब गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को खेलने में कैसा लगा है ये रैकेट, ठीक है। तो गाइज़ मेरे को तो खेलने में काफ़ी अच्छा लगा ये रैकेट, ठीक है। मैं आराम आराम से खेला था, और ज़्यादा देर भी नहीं खेला, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कंफर्टेबल फील हुआ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माई ओल्ड बैडमिंटन, ठीक है। और मेरा जो ओल्ड बैडमिंटन है गाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा वेट था, ठीक है, उसमें ज़्यादा ये भारी लगता था मेरे को, लेकिन ये गाइज़ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लगता है, तो इसको खेलने में गाइज़ मज़ा भी आता है, ठीक है। तो देखो तो गाइज काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस वर्थ है 556 रुपीज़, और देखते हैं कब तक ये टिकता है मेरे हाथों से। तो यही है गाइज ये रैकेट, ठीक है।
तो गाइस ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। और फाइनली मैंने इस रैकेट को बाय कर लिया है, GR 201 योनेक्स का, और कलर वगैरह भी गाइस मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, येलो एंड ब्लू एंड सिल्वर में मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड रेड भी है बीच में तो और भी अच्छा लग रहा है। लुक्स वगैरह में भी गाइस काफ़ी अच्छा है और ग्रिपिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि मैं बताया कि मैं इससे एक बार खेल चुका हूँ तो गाइस मेरे को खेलने में गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, और गाइस प्राइस के अकॉर्डिंगली सही है या फिर नहीं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को तो गाइस अभी तक सही लगा है, ठीक है, अगर आप अच्छे से खेलोगे तो 4 to 5 ईयर्स आराम से यूज कर सकते हो, ऐसे भी गाइस विंटर में खेलना है इससे, ठीक है। तो गाइस जो मेरे को प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 556 रुपीज़, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो उसके अकॉर्डिंगली गाइस सही है, ठीक है, ये बैडमिंटन रैकेट, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो। तो यही था गाइज आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे गाइज नए तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और गाइज इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया गाइज तो आईडी सर्वे स्क्रीन पे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर जरूर से फॉलो कर दीजिएगा, सारे अपडेट्स वगैरह मैं वहीं पर देता रहता हूँ। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।